वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ा हम उसकी थोड़ा साई टोल्ड यूटी टू रेन एंडल ऑनपर क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर हमने आज लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन को सोल्व करना है कल हमने जो पढ़ा मैं आपको उसका छोटा सा एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि वॉट इट हैज से, तो आई एम रेफरिंग सेक्शन नाइन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट, वी गोइंग टू स्टडी सेक्शन सिक्स सेक्शन नाइन कहता है कि अगर कोई भी सब्सिक्वेंट इनएबिलिटी है या कोई भी सब्सिक्वेंट डिसबिलिटी है कोई भी सब्सिक्वेंट इनएबिलिटी है या सब्सिक्वेंट डिसबिलिटी है सो उस केस के अंदर आपका टाइम कभी भी स्टॉप नहीं करेगा इस चीज की एक्सेप्शन है बट आई एम नॉट गोइंग टू रेफर दी एक्सेप्शन राइट नाउ हम एक्सेप्शन के बेसिस के ऊपर इसको नहीं पढ़ेंगे अभी तो हम इसको बाद में देखेंगे व्हाट द एक्सेप्शन हैज टू से तो इस चीज को कवर अप करने के लिए आई जस्ट शो यू वन थिंग सो वी आर गोइंग टू स्टडी विद अ डिफरेंट पैटर्न आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम दीस डेज तो अगर हम सेक्शन नाइन को यहां पर गौर से देखते हैं That is the last one. This. So if you closely look at it, just a minute. Yeah, it's it's for the first time I'm using it, so that's why it's creating some problem. So if we refer to Section Nine, ko तो सेक्शन नाइन कहता है वेयर वंस द टाइम हैज बिगेन टू रन नो सब्सिक्वेंट इन और डिसबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप सेट तो ना ही कोई इन ना ही कोई डिसबिलिटी जो सूट का अगर टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है उसको रोकेगी So I just mark the important points out here which we have. So agar closely So one is this word disability. One is this word inability. And the most important word is subsequent. Correct. This is the first basic line which we have. ट इज वंस द टाइम हैज बिगेन टू रन ये कहता है कि अगर एक बार समय चलना स्टार्ट हो गया तो उसका केस में कोई भी सब्सिक्वेंट इन एबिलिटी हो या सब्सिक्वेंट डिसबिलिटी हो वो उस टाइम को नहीं रोक सकती करेक्ट ना वोट दिस इनेबिलिटी एंड डिसबिलिटी मीन्स अगर हम इन और डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो कल हमने देखा यहां पर जो inability का मतलब होता है, हैं, देखना बरसात थी फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया कॉल्ड इनबिलिटी डिसबिलिटी होता है वेन यू आर नॉट एबल टू डू योर डिफॉर्मिटी आप अपनी डिफॉर्मिटी के कारण आप उसको नहीं कर पा रहे आप कॉमा में थे आप फिजिकली हैंडीकैप थे आप मेंटली हैंडीकैप थे दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग दैट इज कॉल्ड तो लॉ एक सिंपल सा है सेक्शन नाइन वो कहता है एक बार समय चलने लग गया तो वो कभी रुकेगा नहीं कोई भी डिसबिलिटी हो कोई भी इनबिलिटी हो सब करेक्ट भी है इस रूल की जो इसके प्रोवाइजों में है बट हम उस एक्सेप्शन को, को अभी नहीं देखेंगे हमने सिर्फ सेक्शन नाइन को अभी सिर्फ इतना ही देखना है ओनली टू दिस आज का हमारा टॉपिक है तो हम के में इसको स्टार्ट करते हैं एंड हम कुछ चीजें इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो आपकी कॉपीज आपकी जुडिशियल स्किल इन तो आई एम डिस्प्लेन सेक्शन सिक्स राइट नाउ लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू नाउ। अगर हम यहां पर सेक्शन सिक्स को गौर से देखते हैं इट टॉक्स अबाउट लीगल डिसेबिलिटीज तो वो क्या कहता है जरा गौर से सुने अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये स्टार्ट करता है वेन अ पर्सन इन टाइटल टू फाइल अ सूट सो दे हैव यूज द फर्स्ट वर्ड दैट इज पर्सन इन टाइटल्ड तो मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट प्लेंटिफ सूट कौन फाइल करता है प्लेंटिफ करता है एंड दैट्स वॉट देर टॉकिंग अबाउट सो है दे टॉकिंग अबाउट प्लेट करेक्ट इट्स एज वेयर अ पर्सन इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री करेक्ट तो मतलब कि इस तरह दो चीजों पे लग रहा है दैट इज सूट के ऊपर लग रहा है एंड एक्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पे लग रहा है नेक्स्ट थर्ड इट्स एस एंड एट द टाइम व्हेन द पीरियड इज टू बी रेगेंड जब पीरियड स्टार्ट होना था उस समय वेन द पीरियड हैज टू रिटर्न उस समय ही वॉस क्या था हम उसको वापस से मार्क करते हैं ही वॉस अ मैंगनर इनसेन और इडियट करेक्ट सो वॉट इट टॉक्स अबाउट मैंने आपको यहां पर मार्क किए हैं चार असेंशियल पॉइंट हम इसको डिस्कस करते हैं तो जो मैंने येलो कलर से मार्क किया है इट सिंपली प्रूव कि जो हमारे पास सेक्शन सिक्स है वो सिर्फ दो जगहों पर लगता है दैट इज सेक्शन सिक्स इज एप्लीकेबल ऑन सूट एंड सेक्शन सिक्स इज एप्लीकेबल ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री सेक्शन सिक्स को अपील्स के ऊपर नहीं लगाया गया एप्लीकेशन के ऊपर नहीं लगाया गया तो यहां पर क्वेश्चन यहां पर यह उठा कि सेक्शन सिक्स को अगर हमने गौर से देखा अपील्स पे नहीं लगाया गया ना ही नॉर्मल एप्लीकेशन पे लगाया गया तो क्वेश्चन वो द क्वेश्चन इज वाई ऐसा क्यों क्यों हमने सेक्शन सिक्स की स्कोप अपील्स पे नहीं लेकर गए देर इज ओनली देयर इज अ स्मॉल फॉर इट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्डनेशन ऑफ डिले है कि अगर आपको लिटिगेट करने में डिले हो जाती है तो आप उस डिले को कंडोन करवा सकते हैं सेक्शन फाइव में नो दैट कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू अपील्स एंड एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन तो अगर आप किसी इनबिलिटी या डिसबिलिटी के कारण अपील नहीं फाइल कर पाए तो आप वहां पर सेक्शन फाइव में आप कॉन्डोनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं रीजन सेक्शन सिक्स की जो स्कोप है उसको रिस्ट्रिक्टिव रखा गया सूट एंड एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन सूट एंड एग्जीकेशन आर नॉट गए सेक्शन फाइव दैट इज द रीजन वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली टू टाइप ऑफ प्रोसीडिंग सो ये क्वेश्चन डेली जुडिशियल सर्विस में आपका आ चुका है एक बार तो इस चीज को आपको गौर से याद रखना है

अगर हम यहां पर ध्यान से देखते हैं अगर हम मैंने यहां पर इफ यू लुक एट हेड तो मैंने यहां पर रेड कलर से मार्क किया है इट वेयर द पर्सन इज टू इंस्टीट्यूट अ सूट अगर वो पर्सन जो सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए इंटाइटल्ड है दिस इज वॉट आई हैव हैव आई मार्क्ड है रेड पेन तो यहां पे द पर्सन हु इज इंटाइटेड तो हमारे पास दो टाइप के पर्सन होते हैं द पर्सन हु इज स्विंग एंड द पर्सन हु इज बिंग स्यूड करेक्ट तो वी हैव टू टाइप ऑफ पर्सन नंबर वन जो इंटाइटल है सूट फाइल करने के लिए नंबर टू जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा रहा है तो सेक्शन सिक्स की अगर आप वोर्डिंग को यहां पर गौर से देखते हैं ये एप्लीकेबल है वेन वेन दर्सन इज इंटाइटल टू फाइल तो मतलब कि सेक्शन सिक्स के अंदर जो लीगल डिसेबिलिटी है वो plaintiff की है अगर डिफेंडेंट लीगल डिसेबिलिटी में है जो यहां पर मैंशन है तो उस केस के अंदर तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर सेक्शन सिक्स विल नॉट अप्लाई तो इसलिए हमारे पास यहां पर दो असेंशियल हुए नंबर वन Section 6 is applicable on suits and execution applications. Number 2, Section 6 is only applicable where the plaintiff is under the legal disability. It is not applicable where the defendant is under the legal disability. It is applicable only when the plaintiff is under the legal disability. Okay. Now, if you proceed further, तो यहां पर इन्होंने डिसेबिलिटीज तीन टाइप की मेंशन करी है माइनर इनसेन एंड इडियट तो यहां पर इन्होंने तीन टाइप की डिसेबिलिटीज को डिस्कस किया है दैट इज माइनर इनसेन एंड इडियट तो मतलब कि अगर आप यहां पर गौर से देखते हैं सेक्शन सिक्स ऑल टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज को डिस्कस नहीं करता सेक्शन सिक्स सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप की डिसेबिलिटीज के बारे में बताता है कि माइनर इनसेन है सॉरी प्लेटिफ इनसेन है प्लेटिफ माइनर है या प्लेट इडियट है सिर्फ उसी केस के अंदर सेक्शन सिक्स इज लिखे सो दैट इज द रीजन वी हैव गिवन द नॉमिनचर डिज द सेक्शन एज लीगल डिसेबिलिटी वी हैव नॉट यूज द वर्ड डिसेबिलिटी

वो लीगल डिसेबिलिटी आइदर माइनॉरिटी है इडियोसी है या इंसैनिटी है तो दीज आर द्री एसेंशियल्स। नाउ लेट्स कम टू द द फोर्थ एसेंशियल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फोर्थ एसेंशियल क्या कहता है फोर्थ एसेंशियल सहीज ये जो तो डिसेबिलिटी है ये जो तो हमने डिसेबिलिटी बात करी ये कब थी इट इज एट द टाइम From which the prescribed period is to be reckoned. Jab aapka prescribed period start honatha. Jab aapka prescribed period reckon hona tha. Ye legal disability aapki us time thi. This is what it simply says. If we mark this up, it says it must be at the time when the period has to be reckoned. So reckon means. यहां पर जो लीगल डिसेबिलिटी की बात हो रही है यह लीगल डिसेबिलिटी इज नॉट सबसिक्वेंट यह सबसिक्वेंट नहीं है यह डिसेबिलिटी इनिशियल डिसेबिलिटी है इसलिए हम सेक्शन सिक्स को एक्सेप्शन टू सेक्शन नाइन नहीं कहते बहुत से टीचर्स को गलत करवाते हैं वो कहते हैं सेक्शन सिक्स इज द टाइप ऑफ एन एक्सेप्शन टू सेक्शन नाइन द आंसर इज नो इट इज नॉट सेक्शन सिक्स अबाउट वेन द लीगल डिसबिलिटी वॉज द टाइम द दाइड पीरियड हैज टू तो अगर एक बार रेकन हो गया पीरियड उसके बाद डिसबिलिटी आ रही है सेक्शन सिक्स नोट रोल टू प्ले It has नो रोल टू प्ले मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि वॉट इट तो हमारे पास यहाँ पर फोर मोस्ट आपके चार असेंशियल कवरअप होते हैं तो ये चार असेंशियल का ही सेक्शन बना हुआ है तो वो चार असेंशियल कहते क्या है मैं आपको एक बार वाइंड अपने उसके बेसिस के ऊपर हम आपकी पार्ट को देखेंगे आपके पास क्या ऑप्शन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है Law कहता है सेक्शन सिक्स के अंदर अगर आपने नंबर वन सूट या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन करनी थी इंस्टीट्यूट नंबर टू प्लेंटिफ लीगल डिसेबिलिटी में था नंबर थ्री वो लीगल डिसेबिलिटी कैसी थी वो माइनॉरिटी इंसानिटी या इडियासी वाली थी एंड वो कब थी वो थी एट द टाइम ऑफ रेकनिंग ऑफ बीयर का पीरियड आपका रेकन होना था वो तब थी तो रेकनिंग के टाइम पे का पीरियड स्टार्ट होना था तब आपके पास इस टाइप की लीगल डिसेबिलिटी थी तो उस केस में क्या बोलते उस केस में प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है द प्लेंटिफ हैज एन ऑप्शन तो याद रखना जी सेक्शन सिक्स मैंडेटरी रूल प्रिस्क्राइब नहीं करता वो आपको एक मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा वो आपको एक ऑप्शन देता है वो प्लेंटिफ को एक ऑप्शन देता है वो ऑप्शन ये है कि अगर प्लेंटिफ चाहे इफ द वांट्स तो कब उसकी डिसेबिलिटी ये वाली सीज हो जाएगी कब ये डिसेबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी वो तब से प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर सूट फाइल कर सकता है तो मतलब कि अगर एट द टाइम ऑफ द रेकनिंग ऑफ द पीरियड द इज़ हैविंग सम लीगल डिसबिलिटी सो द हैज़ अ राइट कि कहां से रेकन होना था वो तब से पीरियड को चलाए या फिर कब उसकी लीगल डिसबिलिटी सीज हुई वो तब से लिमिटेशन पीरियड को चलाए प्रिस्क्राइब पीरियड को चलाए ये उसकी मर्जी है नाउ अगर वो सेक्शन सिक्स की हेल्प लेगा तो वहां पर बार ऑफ सेक्शन एट लगेगा तो एट का बार क्या कहता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा तो पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बता दूं जो मैं आपको कह रहा हूं कि सेक्शन सिक्स गिव्स यू एन ऑप्शन इट इज नॉट अ मैंडेटरी रूल इट्स प्रोवाइड्स इन मीयरली ऑप्शन अगर आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे अगर आप सेक्शन सिक्स को यूज करेंगे आप सिक्स का बेनिफिट लेंगे तो उस केस में यू विल बी मीनस रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्कोप ऑफ सेक्शन एट सेक्शन सिक्स को यूज करेंगे आपके ऊपर सेक्शन एट लगेगा एट एक रिस्ट्रिक्शन बताता है वो रिस्ट्रिक्शन क्या है आई विल बी डीलिंग विद एट Let's see. Now, if you look here, what it says? It says, where a plaintiff, where a person is entitled to institute a suit or make an application for the execution of a degree, is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor, insane, or an idiot. It says,

तो उस केस के अंदर प्लेंटिफ के पास एक राइट right है वो राइट right क्या है कि वो सेम पीरियड के अंदर सूट फाइल कर सकता है जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी तो मतलब कि राइट right कि कब वो डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी इसको सेम पीरियड दिया जाएगा जो उसके पास ऑर्डिनरी था बट ये जो सेम पीरियड है दिस इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन एट सेक्शन एट की रिस्ट्रिक्शन के सब्जेक्ट है नाउ द क्वेश्चन इज वॉट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन एट से सेक्शन आठ की रिस्ट्रिक्शन कहती क्या है नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन एट तो हम सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं तो सेक्शन आठ कहता है कि अगर आप सेक्शन 6 को अप्लाई करते हैं एंड लिमिटेशन पीरियड तीन साल से ज्यादा का है ओरिजिनल। अगर आप सेक्शन सिक्स को अप्लाई करते हैं एंड लिमिटेशन पीरियड एक्सीड थ्री इयर्स, तो उस केस के अंदर आपका लिमिटेशन पीरियड कम करके आपको तीन साल का दिया जाएगा तो व्हाट सेक्शन एट अगर आप सेक्शन सिक्स का बेनिफिट लेते हैं टेकिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन सिक्स आप कहते हैं कि कब से पीरियड स्टार्ट होना है, मैंने तब से स्टार्ट नहीं करवाना मैंने अपनी लीगल डिसबिलिटी सीज से स्टार्ट करवाना है इफ यूर डूइंग दिस थिंग इफ यू आर अप्लाइंग सेक्शन सिक्स तो अगर लिमिटेशन पीरियड तीन साल से ज्यादा का है तो वो आपको कम करके तीन साल का दिया जाएगा कम पीरियड बढ़कर तीन साल का नहीं होगा ये गलत है अगर पीरियड तीन साल से ज्यादा है वो कम करके आपको तीन साल का दिया जाएगा इसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिमिटेशन पीरियड तेरह साल का है बारह साल का सॉरी ट्वेल्व ईयर्स का मेरे पास लिमिटेशन पीरियड कब लिमिटेशन पीरियड रेकन होना था उस टाइम पे मैं माइनर था तो अगर मैं

तो इसलिए अगर आप सेक्शन सिक्स रीड विद सेक्शन एट अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी तीन प्रेपोजिशन निकलती हैं यहां पे इकट्ठे करेक्ट अगर आपका लिमिटेशन पीरियड तीन साल से कम का है अगर आपका लिमिटेशन पीरियड तीन साल से कम का है तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू अप्लाई सेक्शन सिक्स अगर लिमिटेशन पीरियड एक साल का है तीस दिन का है साठ दिन का है नब्बे दिन का है दो साल का है या एग्जैक्टली तीन साल का है इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल आप सेक्शन छ को अप्लाई करें अगर आप लीगल डिसेबिलिटी के अंदर हैं कब पीरियड आपका स्टार्ट होना था और लिमिटेशन पीरियड इज लेस देन ऑफ थ्री ईयर्स इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल गो फॉर सेक्शन सिक्स बिकॉज उस केस में आपको सेम लिमिटेशन पीरियड अगली डेट से मिल जाएगा दैट्स करेक्ट नंबर टू अगर आपका लिमिटेशन पीरियड तीन साल से बड़ा है इट इक्सि थ्री चार साल पांच साल छह साल बारह साल एंड कब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होना था उस टाइम पे आप लीगल डिसेबिलिटी में थे वर अंडर द लीगल डिसेबिलिटी तो उस केस के अंदर इन दैट पर्टिकुलर केस आपको देखना क्या है कि कब आपकी लिमिटेशन पीरियड कब आपकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हुई कब आपकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हुई तो उस टाइम पे कितना पीरियड रिमेनिंग था ओरिजिनल जो पीरियड चल रहा था कितना रिमेनिंग था आपको यह देखना है मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं फॉर एग्जांपल मैं चौदह साल का था लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया I was of 14 years of age, and the limitation period started. Limitation period 12 साल का था तो इस केस में मेरी लीगल डिसबिलिटी कब मैं 18 साल का होगा तब खत्म हो जाएगी तो अगर मैं 14 साल से 12 साल लगाता हूँ, तो मेरी जो, जो मेरा limitation period था that was going to expire when I will be of 26 years of age। तो कब मैं 18 साल का हुआ अब भी मेरे पास 8 साल हैं। करेक्ट तो वॉट यू हैव टू डू इस अगर आपका लिमिटेशन पीरियड तीन साल से बढ़ा है तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपको ये करना है आपको देखना है अपनी प्रेपोजिशन में कि लीगल डिसेबिलिटी कब सीज हुई तो कितना टाइम रिमेनिंग था अगर वो रिमेनिंग टाइम तीन साल से कम है तो अप्लाई सेक्शन सिक्स अगर ये रिमेनिंग टाइम तीन साल से ज्यादा का है

तो सेक्शन एट में एम जस्ट गिविंग अ पासिंग रेफरेंस यू शुड नो अबाउट इट आपको इसके बारे में नॉलेज हो तो लॉ क्या कहता है जरा ध्यान से आप लॉ सिंपल सा कहता है कि अगर लिमिटेशन पीरियड इज लेस देन थ्री इयर्स एंड आपका केस सेक्शन सिक्स में कवर होता है तो ऑलवेज गो फॉर सेक्शन सिक्स बिकॉज उसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन एट नहीं लगेगी नंबर टू अगर आपका लिमिटेशन पीरियड तीन साल से ज्यादा का है एंड जब आपकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हुई जब आपकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हुई उस टाइम पे रिमेनिंग पीरियड तीन साल से कम का रह गया था एक होता एक्सपायर्ड पीरियड एक होता रिमेनिंग पीरियड रिमेनिंग पीरियड तीन साल से कम का रह गया था तो उस केस के अंदर एक रिमेनिंग पीरियड ऑफ लेसन

क्शन सिक्स बिकॉज अगर आप सेक्शन सिक्स अप्लाई करेंगे तो सेक्शन एट साथ में लगेगा और लिमिटेशन पीरियड कितना भी था वो कम होकर तीन साल का हो जाएगा तो वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा प्रोवाइड यू एन ऑप्शन आप हमारे अप्लाई करें या ना करें ये प्लेंटिव को खुद देखना है इसको अप्लाई करना है कि नहीं करना क्लियर है आई होप सो सबको इस चीज के बारे में मीन्स क्लैरिटी होगी तो अब हम आ, कुछ एग्जाम्पल्स को देखना स्टार्ट करते हैं राइट right. तो मैंने आपको कॉपी पेन तैयार रखने के लिए कहा था तो आई होप सो अब तैयार होंगे तो मैं वीडियो एक बार बंद करके मैं वापस से स्टार्ट करता हूं तो उसके बेसिस के ऊपर हम इसको आगे देखना स्टार्ट करेंगे प्लीज आई एम गिविंग यू टू मिनट्स फटाफट अपनी कॉपी पेन लेकर आए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे diagram is blank right so let's meet exactly after 2 minutes exactly after 2 minutes let's meet